200, fine. That means I can say this is 8 to the power 21 into r the power 210. तो मुझे इसका बेसिकली वैल्यू बताना है. क्वेश्चन ये है कि आपको 8 द पावर 21 इंटू आर द पावर 210 का वैल्यू बताना है. वेयर ए आर क्यूब बराबर 2 दिया हुआ है एंड ए आर 16 बराबर 8 दिया हुआ है. इतना कुछ दिया हुआ है. अब इस पर दो तरीका है सॉल्व करने का. हम लोग जल्दी क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड भी कर दो सो दैट ए कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो आई विल गेट ए आर, ए कैंसिल हो जाएगा क्या बच जाएगा मेरे पास, r to the power 13 is equal to 4. ठीक है, r to the power 13 बार 4. यहां से अब r का वैल्यू आ जाएगा, फिर यहां पुट करोगे a का वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, यू गेट द वैल्यू ऑफ a, यू गेट द वैल्यू ऑफ r, यहां पुट कर दो, यू गेट द आंसर. तो दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग. ठीक है, अभी मैं सॉल्व नहीं कर इसको, दिस इज नॉट अ वेरी गुड मेथड. सेकेंडली हम ये सोच सकते हैं कि वाई ऑलवेज डिवाइड द टू इक्वेशन. ये जरूरी नहीं कि दोनों इक्वेशन को हमसे डिवाइड ही किया जाए. फाइन, वी कैन इवन सॉरी डिवाइड की वजह दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. लेट अस मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18 टर्म बोला था हमने, 18 टर्म बोला था ना, ए आर 17 हो जाएगा इसे. ठीक है भाई, तुमसे लगा 18 टर्म ना, इट वॉज 18 टर्म. 18 टर्म था ना कि मैंने 70 क्या टर्म बताया, 17 तो नहीं, तब तो सॉल्व नहीं हो पाएगा. नहीं तब सॉल्व नहीं हो पाएगा, 18 टर्म. वो बाय मिस्टेक मैंने 17 बोला, इट वाज 18 टर्म, सॉरी बाय, तब मिस्टेक हो जाएगा, तब नहीं सॉल्व हो पाएगा. तब तो फिर आप कुछ गंदा से वैल्यू आ जाएगा. इट वॉज 18 टर्म, बाय मिस्टेक मैंने 17 बोल दिया गाइस, फिर से फिर भी आंसर आ गया आप लोगों. ठीक है, इट वॉज 18 टर्म गाइस, 18 टर्म, तभी तो इक्वल इक्वल नंबर टर्म. इट वॉज 18 टर्म, माई मिस्टेक, इट वॉज 18 टर्म. ठीक है, ऑल ऑफ यू गाइस, फोर्थ टर्म is 2 and 18th term is 8. ये guys, इसको जरा याद रख. ठीक है, and naturally इसीलिए तो, so इसीलिए तो 17th, that was the logic, 18th term or 4th term दिया होगा, that was the logic. वो I'm coming from that, I'm coming to that, so भी तो मैं आ रहा हूं. अब इसको मुझे लगा था तो cancel, divide नहीं हो पा रहा था ना. Now I multiply these two, I get a square r to the power 20 बराबर 16, और this can be done as ए आर 10 का होल स्क्वायर बराबर 16. फाइंड फ्रॉम हियर आई गेट ए आर 10 इज इक्वल टू 4. आई गेट द वैल्यू ऑफ ए आर 10 बराबर 4. और यहां से ए आर 10 निकालते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिस इज ए आर 10 होल द पावर 21. इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए आर 10 होल द पावर 21. देयरफॉर आई नो द वैल्यू ऑफ ए आर 10 व्हिच इज 4. तो ये हो जाएगा बेसिकली 4 द पावर 21. एक तरीका तो ये है कि इंस्टेड ऑफ नॉट, वही समझा रहा हूं कि जब भी सवाल वाला आए ना, तो जरूरी नहीं है कि आप लोग हमेशा डिवाइड ही करो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से भी आसान हो जाता है. फाइन, वो स्ट्राइक करना चाहिए, एक बात ये सब कुछ स्ट्राइक करना चाहिए. सेकेंडली अब जो हमें जो सबसे आसान मेथड है सॉल्व करने का, ये बोल रहा है 8 द पावर 21 इंटू आर द पावर 210 का आपको वैल्यू चाहिए. ठीक है, फोर्थ टर्म, अब हम लोग एपी सीरीज में किए हुए हैं कि टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पोजिशन, देयर ये सबको एक कंसेप्ट पता है ना कि टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पोजिशन, देयर एवरेज गिव्स मी द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एंटायर सीरीज. ये सबको पता है, ऑल ऑफ यू नो दिस, जल्दी बोलो यस और नो. ऑल ऑफ यू नो दिस, टर्म इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पोजिशन. मैं एपी सीरीज की बात कर रहा हूं, सबको ये पता है. वेरी गुड, सेम गोज फॉर जीपी सीरीज एज वेल. जीपी सीरीज के लिए सेम बात, सपोज मैं बोलूं कि 1392781, इस पांच नंबर का सपोज मुझे, इस पांच नंबर का सपोज मुझे निकालना हो कि इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या है. आई नीड टू फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस फाइव टर्म्स. इस फाइव टर्म का ज्योमेट्रिक मीन निकालने का दो तरीका है. एक तो आप ज्योमेट्रिक मीन का डेफिनेशन क्या बोलता है, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स. ये सबको याद है, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स. ठीक है, तो यहां पांच टर्म है, सबको मल्टीप्लाई कर लो, उसका फिफ्थ रूट निकाल लो, एक तो आंसर 9 आ जाएगा. वैसे सॉल्व करेंगे
अनदर वे आउट इज कि मिडिल टर्म जो होता है वो होता है जीपी ज्योमेट्रिक मीन, तो मिडिल टर्म 9 है, देयरफॉर 9 आ जाए एक अलग तरीका. थर्ड वे आउट इज दैट टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पोजीशन उसका ज्योमेट्रिक मीन, तो 1 और 81 का ज्योमेट्रिक मीन होगा वो सारे सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन होगा, ठीक है. तो या 3 और 27 का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो सारे सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन होगा, ठीक है गाइस. तो 1 और 81 का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट 1 इनटू 81 व्हिच गिव्स मी 9. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट कि टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पोजीशन देयर ज्योमेट्रिक मीन गिव्स मी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एंटायर सीरीज. सबको इस समझ में आ गया, जल्दी बोलो यस और नो, ये सबको समझ में आया, जल्दी गाइस, ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ, फेयर इनफ. नाउ यदि ये मुझे पता चल गया, समझ में आ गया, अब देखो 21 टर्म का सीरीज है उसका मुझे प्रोडक्ट निकालना है, इधर से फोर्थ टर्म दिया हुआ है और इधर से फोर्थ टर्म, 18th term will be the fourth term from this end. इधर से fourth term 18 होगा, इधर से fourth term 4 होगा, ठीक है. हर्ष ये बोल रहा हूं कि प्रांजल ये बोल रहा हूं कि geometric mean किसी भी set of numbers का, fine. Geometric mean a set of numbers का एक condition होता है. All of you याद रखो. If numbers are in GP, जिनको नहीं पता, if numbers are in GP, then मिड टर्म गिव्स मी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एंटायर सीरीज, ऑफ द एंटायर सीरीज. एक ये कंसेप्ट है, दूसरा कंसेप्ट जीएम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पोजिशन gives me GM of entire series. Guys, ये दो जिनको नहीं पता है, प्रांजल हर्ष फाइन, ये दो चीजें याद रखी. यदि if numbers are in GP, क्या बोल रहा हूं, numbers यदि GP में है, condition है if numbers are in GP, fine. If numbers are in GP, then the middle term gives me the geometric mean of the entire series. फाइन, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके प्रांजल. और ऑल्सो जीएम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पोजीशन गिव्स मी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एंटायर सीरीज, ये एक कंसेप्ट है. अब इस कंसेप्ट को यूज करके ये सवाल बनाया गया है. ज्योमेट्रिक मीन, जिनको नहीं पता डेफिनेशन ऑफ एंड टर्म्स, सबको याद है क्या, जल्दी बताइए यस और नो, सबको याद है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एंड टर्म्स, किसी को नहीं याद है लिखो नो, जिसको नहीं याद है लिखो नो. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एंड टर्म्स, सबको याद है, ऑल ऑफ यू रिकॉल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एंड टर्म्स. अच्छा उत्कर्ष याद नहीं है, ठीक है उत्कर्ष. इट से दो टर्म का होता है ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी, और एंड टर्म्स का होता है एनथ रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स, nth root of product of all the terms. उत्कर्ष याद हो गया, जल्दी याद करो उत्कर्ष. दो टर्म का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ए बी, और n टर्म्स का होता है nth root of product of all the terms, ठीक है. Now, अभी इतना कुछ पता हो तब ये सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा. अब देखो कैसे सॉल्व हो जाएगा इजली. फोर्थ टर्म इज दिया हुआ है आपको, फोर्थ टर्म दिया हुआ है इधर से फोर्थ टर्म, 21, 20, 19, 18, इधर से फोर टर्म. Now they are equal distant terms from the end position. Therefore, their geometric mean, fourth term क्या दिया हुआ 2, 18th term क्या दिया हुआ 8, इस दो नंबर का geometric mean क्या हो जाएगा, root 16, which gives me 4. इन दो नंबर का geometric mean क्या हो जाएगा, root 16, which gives me 4. Therefore, 4 would be the geometric mean of the entire series. पूरे series का geometric mean क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा. ये स्ट्राइक कर रहा है पूरे सीरीज का भी ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. और ज्योमेट्रिक मीन का डेफिनेशन क्या है, nth रूट, कितने टर्म है यहां, 21, तो 21st रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ
21 टर्म्स, ठीक है, तो यही तो आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ 21 टर्म्स, तो ये इधर आ जाएगा, देयरफॉर प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 द पावर 20। ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है क्या, जल्दी बोलो यस और नो जल्दी। तो दिस इज द इजिएस्ट वे, तो ये सब स्ट्राइक करना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा ऐसा दिया इधर से चौथा उधर, अच्छा आपने 17 टर्म में कैसे बना दिए गाइस, कुछ लोगों ने 4 पावर 21 आंसर बता दिया 17 टर्म में भी, कैसे बता दो, उसमें तो नहीं आएगा ना, इसमें आएगा ना, बाय मिस्टेक मैंने 17 लिख दिया था। क्लियर सबको गाइस, ठीक है। टिपिकल कैट लेवल क्वेश्चन, आर का पावर 210 हो जाएगा ना, आर इज 210, पर उसका जरूरत नहीं है हर्ष, यहाँ पर उसका जरूरत नहीं महसूस, बिकॉज उसके बिना ही बन जा रहा है ना, आर इज सारा पावर को एडअप कर दो ना हर्ष, ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर करते जाओ तो आर का पावर 210 आ जाएगा, ठीक है। चलो गाइस, तो दिस वाज वन क्वेश्चन दैट वी डिड। अब गाइस क्योंकि मैंने आप लोग का ऑनलाइन क्लास बहुत सारा लिया है, तो इसलिए हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए, मुझे याद नहीं आ रहा, बिकॉज मैं रैंडमली सवाल समझ आ रहा है ना, मेरे माइंड में जो क्वेश्चन मैं देते जा रहा हूँ डायरेक्टली, इसलिए इफ इन केस रिपीट हो जाए तो सॉल्व कर जल्दी बता दीजिएगा आंसर मुझे, आई एम नॉट वेरी श्योर आप लोगों ने क्या क्या पढ़ाया है, क्या क्या नहीं बताया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लो, क्योंकि अभी लोग एलजेब्रा कर रहे हो तुरंत सब कुछ स्ट्राइक कर जाएगा, कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज लेस देन इक्वल टू 5, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है गाइस सबको लिख लो, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज लेस देन इक्वल टू 5, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है। इवन मॉड नहीं हुआ है ना वरुण, फिर भी इट्स अ इजी क्वेश्चन, नो इश्यूज, मॉड नहीं हुआ है फिर भी बहुत आसान सवाल है, बिकॉज मॉड, और फिर व्हाट इज मॉड, मॉड का मतलब क्या होता है वरुण बताओ, मॉड का मतलब क्या होता है, एक सेकंड वरुण, बस ठीक है बस दैट्स इट, पता है ना, बस हो गया पॉजिटिव वैल्यू, मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, सपोज नहीं पता है, एक बात बता रहा हूं, सपोज एग्जाम में आ जाएगी कुछ लिखोगे ना फिर भी, चलिए जल्दी बताइए सॉल्व कीजिए, ऑल ऑफ यू ट्राई टू सॉल्व, इट्स वेरी इजी है।
ठीक है गाइस, नाउ ऑल ऑफ यू जिन्होंने मॉड नहीं किया है कोई इश्यू नहीं, किस मॉड पे से बहुत कम यूसेज, बस इतना जानते हो ना पॉजिटिव। चलो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, यदि बोलो तो ग्राफिकली बना दूंगा, एल्जेब्रिकली बना दूंगा, फाइन दोनों तरीका देखते हैं। बोथ ऑफ देम आर इजी मेथड। पहले मॉडिक्स का सबको डेफिनेशन पता है क्या? मॉडिक्स हमें डिफाइंड है, मॉडिक्स बराबर एक्स होता है फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है फॉर एक्स लेस देन जीरो। ऑल ऑफ यू नो दिस, ये सबको पता है पहले, यस और नो बताइए। ये डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ मॉड, मॉड एक्स बराबर एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो, ये सबको पता है। ठीक है, फाइन। तो जब ग्राफ से बनाऊंगा तब ये मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, अभी मैं आपको पहले लॉजिकली बताता हूं लॉजिकली कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ ऑल ऑफ यू ऑब्जर्व करो, x इज एन इंटीजर, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज एन इंटीजर, सबको इंटीजर पता है। हम सपोज x का वैल्यू जीरो ले लेते हैं, आई हैव टेकन वैल्यू ऑफ x बराबर जीरो, तो ये तो जीरो हो गया। अब मॉड y का वैल्यू पास से छोटा होना चाहिए, तो सोचो यदि y का वैल्यू हम जीरो ले लें, वन ले लें, टू ले लें, थ्री ले लें, फोर ले लें, फाइव ले लें, बट क्योंकि मॉड मेरे पास दिया हुआ है मेरे पास ऑप्शन है इधर लेने का माइनस फाइव माइनस फोर माइनस वन तक, तो माइनस फाइव से लेके प्लस फाइव तक आप कोई भी वैल्यू लोगे तो मॉड वाई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू फाइव हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? जल्दी सभी को यस और नो बोल। यदि एक्स का वैल्यू हमने जीरो लिया है तो वाई का वैल्यू माइनस फाइव से प्लस फाइव तक कुछ भी ले सकते हैं, ये सबको समझ में आ रहा है। शिखर ऐसा है दैट आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ एक्स टू बी जीरो, फाइन, तो व्हाट ऑफ वैल्यू कैन वाई टेक, सोचो अब खुद सोचो वाई क्या क्या वैल्यू ले सकता है शिखर। तो वाई कैन टेक माइनस फाइव का मॉड लेंगे फाइव वो इससे बराबर है, माइनस फोर का मॉड लेंगे फोर वो इससे छोटा है, माइनस थ्री का मॉड लेंगे थ्री वो इससे छोटा है, करते करते वन टू थ्री फोर फाइव, तो माइनस फाइव से फाइव ग्यारह वैल्यू पॉसिबल है। माइनस फाइव से फाइव कितने वैल्यू है? इलेवन वैल्यूज आर पॉसिबल। ठीक है, अब हम सोचो एक्स बराबर वन लेते हैं, अब हम सोचो एक्स का वैल्यू वन ले रहा है, आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ एक्स टू बी एज वन। अब देखते हैं वाई का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, आई कैन टेक वाई का वैल्यू बिकॉज वन आ गया तो माइनस फोर टू फोर, ये क्या ये सही है या गलत है जल्दी बताइए, माइनस फोर टू फोर सही है या गलत है जल्दी सभी कोई बोलो, सही है गलत है? सही है, ठीक है, दैट मीन्स हाउ मेनी वैल्यूज, नाइन वैल्यूज, माइनस फोर टू फोर इज नाइन वैल्यूज। ठीक है, बट सोचो यदि एक्स का वैल्यू माइनस वन ले ले तो भी वाई का वैल्यू क्या मिलेगा? यही मिलेगा बिकॉज मॉड है ना, मॉड माइनस वन भी क्या हो जाएगा? वन ही हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू अगेन मुझे क्या मिलेगा? माइनस फोर से लेके फोर तक, फिर वापस नाइन वैल्यू मिला मुझे। ये बात स्ट्राइक कर रहा है, यदि एक्स माइनस वन लेते बिकॉज एक्स एन इंटीजर, आई कैन टेक पॉजिटिव आई कैन टेक नेगेटिव, इंटीजर है ना गाइस, तो एक्स का वैल्यू माइनस वन होगा तो वाई का वैल्यू अभी भी माइनस फोर से लेके फोर के बीच में लाई कर सकता है, that means again nine values, hence can I say कि x का value या तो हम plus one ले या minus one ले, दोनों केस में y का value minus four to four होगा, therefore I will say nine value तो होगा लेकिन दोनों के लिए, therefore nine into two दोनों के लिए nine nine values, ये समझ में आ रहा है क्या? जल्दी y लिखिए जल्दी, यदि समझ में आ रहा है तो, सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं ना? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, ठीक है। अपना कुछ लोग अपना मिस्टेक भी समझ में आ रहा होगा, क्या क्या मिस्टेक कर रहे थे,
ठीक है फाइन। सिमिलरली इफ आई से एक्स का वैल्यू या तो हम प्लस वन ले या प्लस टू ले, तो वाई का वैल्यू मुझे माइनस थ्री से लेके थ्री के बीच में मिलेगा, माइनस थ्री से लेके थ्री के बीच में, विच इज सेवन वैल्यूज, सेवन इंटू टू हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब ऐसे ही ये देखो सीरीज बनता है स्टार्ट, नाइन इंटू सेवन इंटू, यहां पे इंटू क्यों लिखिए, पहले स्टेप में इंटू क्यों लिखिए जल्दी बताइए, बिकॉज एक्स इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, वहां प्लस माइनस जीरो नहीं होता, एक्स इज ओनली जीरो, उसको हम प्लस जीरो या माइनस जीरो नहीं लिखते, वेरी गुड, एक्स इज ओनली जीरो। ठीक है, वो एक ही केस है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, देयरफॉर वो एक ही था, अदरवाइज सब में टू टू होता जाएगा, ऐसे ही करते जाएंगे, लास्ट में एक्स बराबर प्लस माइनस फाइव, तो वाई का वैल्यू जीरो, इन दोनों के लिए एक वैल्यू, तो वन इंटू टू, तो देखा सीरीज बन गया ना, नाइन इंटू टू, सेवन इंटू टू, फाइव इंटू टू, थ्री इंटू टू, वन इंटू टू। ठीक है, एंड वॉट इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल, एन और नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, किसको याद है, सम ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर, एन स्क्वायर, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब यहां से सब में टू कॉमन ले लिया, मुझे एडअप करना है कितने नंबर्स है, सब में टू कॉमन ले लिया, मुझे बच गया वन प्लस थ्री अप टिल नाइन, और प्लस एक अलेवन अलग से है, अलेवन अलग से है। ठीक है, तो वन से ये पांच नेचुरल और नंबर है, तो पांच का स्क्वायर पच्चीस इंटू दो पचास, पचास प्लस अलेवन इज इक्वल टू सिक्सटीन, ये नहीं भी करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, नाइन टू जा एटीन, सेवन टू जा फोर्टीन, फिर आ जाएगा दस, फिर आ जाएगा छह, चार चार कम होता जाएगा, फिर आ जाएगा दो, सबको एडअप कर दो, विल गेट 61, देयरफॉर 61 वैल्यूज आर पॉसिबल। क्लियर गाइस, सबको समझ में आ रहा है, अपना जिनसे कुछ हुआ था मिस्टेक, सबको अपना मिस्टेक समझ में आ रहा है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, मोर का क्वेश्चन था, बट बेसिकली लॉजिकली सवाल था, नंबर स्ट्रिंग का सवाल हो गया ना, इंटीजर का सवाल था, इंटीजर। क्लियर गाइस, ग्राफिकली बताओ कि छोड़ दूं, आप लोग बताइए, शुड आई लेट यू नो ग्राफिकली या अभी ग्राफिक छोड़ दूं, जल्दी बताओ क्या करूं, ग्राफिकली बता दूं, ग्राफ से कैसे बनाते हैं इस तरह का सवाल बता दूं, ठीक ठीक ठीक, बता रहा हूं, होल्ड करो। अब गाइस, ग्राफ जानने के लिए पहले तो ये बताइए, डज ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज एक्स प्लस वाई बराबर फाइव, क्या सभी को ये लाइन, इसको प्लॉट कर सकते हो ग्राफ के लिए, सब कोई प्लॉट कर सकते हो एक्स प्लस वाई बराबर फाइव, सभी को ये पता है, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग ये सबको पता हो, बहुत सिंपल है प्लॉट करना गाइस, जब भी इट ऑलवेज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन, जिनको नहीं थोड़ा सा भूल चुके हो उनको रिवाइज करवा दे रहा हूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो दैट मींस ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता होगा। स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए मुझे दो पॉइंट चाहिए, एक बार एक्स को जीरो तो वाई फाइव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो कॉमा फाइव, और एक बार वाई को जीरो तो एक्स फाइव हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा फाइव कॉमा जीरो। अब इस दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट कर दें, तो दिस इज द लाइन विच सेज एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, तो ये जो लाइन है ये लाइन कहता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव। ठीक है फाइन, और इसके राइट हैंड साइड एक्स प्लस वाई इसके ऊपर जाएंगे में नेचुरली ग्रेटर देन फाइव, सोचो ना इधर कोई वैल्यू ले लीजिए, इसके राइट हैंड साइड कोई वैल्यू लीजिए, हो जाएगा सिक्स कॉमा जीरो, तो सिक्स यहां पुट करेंगे तो फाइव से ज्यादा आ जाएगा, देयरफॉर इसके राइट हैंड साइड दिस रीजन इनइक्वालिटी में जब भी ग्रेटर देन और लेस देन हो ग्राफिकली इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ एरिया, तो ये एरिया जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन फाइव, और ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा एक्स प्लस वाई लेस देन फाइव। इतना सबको पता भी होगा, जिनको नहीं पता समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं, लाइन बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर फाइव, उसके ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन फाइव, और इसके नीचे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई लेस देन फाइव,
ये सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए, यस और नो, जल्दी। ठीक है, फाइन गाइस। जब ये पता चल जाता है देन अब हम लोग ये बना सकते हैं। मैंने डेफिनेशन बोला है कि मॉड एक्स बराबर एक्स होता है इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है इफ एक्स इज लेस देन जीरो। ये मैंने दो चीज बताया आपको, ठीक है, डेफिनेशन है मॉड एक्स। देयरफॉर अब चार केस बनेगा। पहला केस होगा कि एक्स भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो, वाई भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, दिस इज द फर्स्ट केस। ठीक है, मैं ये लिख दूंगा, आप लोग कॉपी डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं रब करूंगा। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो जब बॉक्स से बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू फाइव। ये पहला इक्वेशन होगा। ठीक है, दूसरा केस होगा कि x तो ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो लेकिन y लेस देन जीरो। हो सकता है कि ये तो पॉजिटिव हो बट ये नेगेटिव हो, तो जब ये नेगेटिव डेफिनेशन क्या है, माइनस एक्स हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू फाइव। तीसरा, एक्स नेगेटिव हो और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, एक्स नेगेटिव हो तो मॉड से रेफरेंस क्या है, माइनस एक्स, तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू फाइव। और चौथा, एक्स भी लेस देन जीरो हो वाई भी लेस देन जीरो, तो माइनस एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू फाइव। जल्दी से ये चार इक्वेशन इनइक्वालिटी लिखिए और समझिए, नहीं समझ में आ रहा है एक्सप्लेन यू अगेन जल्दी। सबने लिख लिया, ऑल ऑफ यू रिटेन जल्दी। ठीक है, समझ में आया सबको? बस डेफिनेशन मॉडल्स का डेफिनेशन पे ये बनता है, बस दैट्स इट, डेफिनेशन, उससे डीप नहीं जानना आपको। सबको समझ में आया ये क्यों बनाए चार? बिकॉज चार केस होगा ना, एक्स पॉजिटिव होगा या वाई भी पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव होगा वाई नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा y पॉजिटिव होगा, या x भी नेगेटिव होगा y भी नेगेटिव होगा। ठीक है गाइस, सबको अभी इरेज कर दूं, जल्दी बोलो इरेज कर दूं इसको। चलिए ठीक है, नाउ आई एम इरेजिंग दिस। अब इरेज करने के बाद मैं लिख देता हूं जो हमारे काम का चीज है। हमारे पास अब ये चार इक्वेशन बच गया, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू फाइव, एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू फाइव, माइनस एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू फाइव, एंड माइनस एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू फाइव। गाइज ये चार, जब भी दो मोड होगा तो हमेशा चार बनेगा, ये चार केसेस बन गए। अब इस चारों केस को जरा वो नंबर लाइन में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो जब प्लॉट करते हैं ना, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू फाइव, तो पहले प्लॉट करो x प्लस वाई इक्वल टू फाइव। अभी हमने प्लॉट किया x प्लस वाई इक्वल टू फाइव, सपोज ये पॉइंट है 5, 0 और ये पॉइंट है 0, 5, तो ये लाइन मुझे दे देगा x प्लस वाई इक्वल टू फाइव। लेस देन इक्वल टू फाइव बोल रहे हैं तो इसके नीचे, दैट मीन इसके नीचे वाला सारा एरिया, तो हमने पहला लाइन प्लॉट कर लिया। दूसरा बोल रहा है एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू फाइव, तो अब वाई नेगेटिव है, नीचे बताओ 0, -5। अब सोचो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, जल्दी बताइए किस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है वाई नेगेटिव होता है, जल्दी, फोर्थ ना? ठीक है, दैट मीन्स ये लाइन होगा, ठीक है, ये लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके
ओरिजिन की तरफ, बिकॉज जीरो का मान जीरो से सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन की तरफ ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। थर्ड बोल रहा है माइनस एक्स प्लस वाई, और एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो वो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा और इसके नीचे, और लास्टली दोनों नेगेटिव वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। इन चारों को हमने प्लॉट कर लिया, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके इस टिल्टेड स्क्वायर, इट्स अ स्क्वायर पर टिल्टेड स्क्वायर, इस टिल्टेड स्क्वायर के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे सेटिस्फाई करेंगे मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज लेस देन इक्वल टू फाइव, समझ रहे हैं। इसके ऊपर आप कोई पॉइंट हो, सब आपने यहां पर पॉइंट किया, इसका इंटीजर जोड़ोगे तो एक्स प्लस वाई पांच से छोटा होगा, होना ही होना है बिकॉज इसके अंदर है, उसके बाहर तो गया ही नहीं है, तो उससे ज्यादा तो वैल्यू हो ही नहीं सकता। तो यही है ग्राफ के लिए, इसके अंदर मुझे पॉइंट्स खोजना है, बट कैसे पॉइंट्स खोजने, मुझे इंट्रीगल पॉइंट्स खोजना है गाइस। तो थोड़ा ध्यान दो, एक्स एक्सिस पे कितना पॉइंट मिलेगा, जल्दी बताइए एक्स एक्सिस पे कितना पॉइंट मिलेगा इंट्रीगल, 10 नहीं अभिषेक, 11, 0 0 भी तो है ना, माइनस 5 टू प्लस 5, 11, वेरी गुड। तो यही मुझे 11 वैल्यूज मिल गए। अब इसके ऊपर एक पॉइंट लेते हैं 0,1 और इसको एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो अब ये पॉइंट हो जाएगा इस 4,1 और ये पॉइंट हो जाएगा -4,1, तभी तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई करेंगे तो 5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है गाइस। एक ऊपर चले गए तो नेचुरली एक्स का वैल्यू थोड़ा एक कम हो गया, वाई का जो फिक्स है एक्स का वैल्यू, एक्स प्लस वाई 5 के बराबर होना चाहिए, देखो 5 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब इस लाइन पे कितने कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे बताओ, जब ये 1,0 कितने कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, -4 टू +4, 9 मिलेंगे ना, सबको दिख रहा है, तो ये 9 मिला वैल्यूज। और इसी के पैरेलल नीचे ड्रॉ कर ले, पैरेलल नीचे में 0,-1 तो कितने मिलेंगे, अगेन 9, देयरफॉर वी से 2 × 9। तो जब y बराबर 1 है तब हमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 2 × 9, ठीक है। सिमिलरली जब y 2 हो जाए, और पर चले जाए, ये 0,2, तो जब y 2 हो जाए तो कितना मिलेगा मुझे, 2 × 7, फिर इसी के नीचे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, हेंस इस स्क्वायर के अंदर सारा करते हैं, लास्टली ये एक पॉइंट हो जाएगा, सबको एड अप कर देंगे तो विल गेट 61 पॉइंट्स। तो दिस इज द ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकली ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। आराम से इसको घर पे क्लास के बाद आराम से ड्रॉ कीजिएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कभी भी गिव मी अ बस और गिव मी अ कॉल, मैं समझा दूंगा। याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली बट कैट में ऐसा क्वेश्चन कैट ने बहुत पूछा है, सेम वैल्यू नहीं है शायद, वैल्यू हो सकता अलग हो, बट हाँ ऐसा क्वेश्चन कैट ने बहुत, इफ यू वांट द कैट क्वेश्चन आई विल गिव यू अ कैट क्वेश्चन, यानी कितना वो कैट क्वेश्चन देता हूं, कैट ने पूछा था जो मैं पहले ये सॉल्व आ गया, सबको जल्दी बताइए, देन हाँ एरिया निकालने भी पूछता वो भी करवा दे रहा हूँ, एरिया निकालने भी पूछता करवा दे रहा हूँ वो भी बता दे रहा हूँ। और फिर पहले ये सॉल्व आ रहा है, चलो मैं आपको दो कैट क्वेश्चन करवा देता हूँ, एरिया का भी और एक कोऑर्डिनेट्स का, दोनों करवा दे रहा हूं जो कैट ने पूछा, मैं करवा दे रहा हूं, चलिए ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं गाइस, ठीक है गाइस। अब एक कैट ने पूछा था कि 3 कोऑर्डिनेट दिया था, 0,0, 41,0 और 0,41, ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिया है, इस 3 कोऑर्डिनेट्स से कनेक्टिंग एक ट्रायंगल बनेगा ना, इस तीनों कोऑर्डिनेट को आप कनेक्ट करोगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स इनसाइड द ट्रायंगल, लिखो गाइस, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स इनसाइड द ट्रायंगल, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स इनसाइड द ट्राइंगल, इनसाइड वर्ड फाइन इनसाइड द ट्राइंगल। चल दिस इज अ कैट क्वेश्चन, यू वॉन्टेड अ कैट क्वेश्चन, आई गिव यू अ कैट क्वेश्चन।
पॉसिबल हो तो थोड़ा सा भी हल्का सा ठीक है दीपक, क्वेश्चन था ना दीपक, इनसाइड द ट्रायंगल बोल रहा है, ठीक है दीपक जसप्रीत, इनसाइड द ट्रायंगल बोल रहा है, ये थोड़ा ध्यान देना है। इनसाइड द ट्रायंगल मतलब यू कैन नॉट हैव ऑन द पेरिमीटर, पेरिमीटर नहीं ले सकते गाइस। तो जिन लोगों ने पेरिमीटर को लिया है ना, वो थोड़ा हटाना पड़ेगा, कैन नॉट टेक पेरिमीटर, इनसाइड द ट्रायंगल बोल रहा है, ठीक है गाइस। गाइस तो ये दिया हुआ है 0.0 0.0 और दिस इज 41.0 और दिस इज 0.41, तीन दिया हुआ है, पर बोल रहा है इसके अंदर में यू कैन नॉट हैव ऑन द पेरिमीटर, ठीक है अंदर में, अंदर में मतलब सपोज ये तो इस एक्स एक्सिस पे मैं एक ही पॉइंट ले सकता है, कैन नॉट टेक अ सिंगल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसके ऊपर जाते हैं I draw a line which is parallel to x-axis. ये 0.1 है. Integral चाहिए, मैंने 0.1 बनाया. तो ये point क्या हो जाएगा? Naturally 1, 40.1. एक कम हो जाए, x एक कम होता जाएगा, y increase होता जाएगा. Simple से बोलेंगे guys, x जितना ऊपर जाते जाएंगे, x कम होता जाएगा, y increase होता जाएगा. ठीक है guys? अब सोचो जब y 1 है, y 1 है, तो मुझे x का मतलब क्या-क्या मिलेगा? 0 से लेके 40 तक, but I cannot take 0. I cannot take 40 because 0 कहां लाइक कर रहा है on the perimeter, 40 कहां लाइक कर रहा है on the perimeter, so I cannot take, तो मैं कहां से लेना स्टार्ट करूंगा, x बराबर 1 से लेना स्टार्ट करूंगा, 1 से लेके 39 तक, 1 से लेके 39 तक, ये समझना है कैसे, वो पहले बस एक ही स्टेप समझना है गाइस, ये समझना है कि जल्दी बोलो यस और नो, on the x axis I cannot take a single point, ठीक है गाइस, जब y 1 है तब x का वैल्यू 0 से लेके 40 तक हम ले सकते हैं, बट 0 एंड 40 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द पेरिमीटर ऑफ द ट्रायंगल। नॉइज आ रहा है थोड़ा सा, खास बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा बिकॉज यहां पे देयर इज नो पावर, क्लियर है? अब ठीक है बिकॉज आई जस्ट स्विच ऑन द फैन, यहां पर देयर इज नो पावर, सो आई जस्ट स्विच ऑन द फैन, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन आई हैव टेकन एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 0, देन आई कैन नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ एक्स बिकॉज वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, बट व्हेन आई हैव टेकन वाई इज इक्वल टू 1,
देन एक्स का वैल्यू आई कैन टेक फ्रॉम 0 टू 40 बट एक्सक्लूडिंग 0 एंड 40 रीजन बीइंग 0 एंड 40 लाइज ऑन द पेरिमीटर ऑफ द ट्रायंगल क्लियर गाइस ठीक है अब ऐसे ही वाई का वैल्यू 2 होगा इसके ऊपर चले जाते हैं जीरो कॉमा टू तो ये हो जाएगा 39.2 दिस वैल्यू वुड बी 39.2 ये समझ आ रहा है गाइस तो देयरफॉर वाई एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं अगेन तो 1 से लेके 38 तक वैसे लेके घटता जाएगा बिकॉज ऊपर जाते जाएंगे एक्स का वैल्यू कम होता जाएगा लास्टली हेंस एक्स का वैल्यू क्या क्या मुझे मिल रहा है 39, 38 से करते करते 1 तक तो ये सारे इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स देयरफॉर कितने हो जाएंगे नंबर्स निकालने के लिए कितने नंबर हो जाएंगे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर गिव्स मी एन इंटू एन प्लस 1/2 एन इंटू एन प्लस 1/2 विच गिव्स मी 780 हेंस माय आंसर कम्स आउट टू बी 780 खुद से गाइस खुद से जरा इंटरप्रेट करने की कोशिश करो नहीं समझ में आएगा देन जस्ट नोटेड मुझे लिख दो कि नहीं समझ में आया सर आई कैन एक्सप्लेन देखो खुद से समझो ट्रायंगल के अंदर चाहिए जल्दी बोलो गाइस क्लियर है या नहीं समझ में आ रहा है जल्दी बोलो इज इट क्लियर ठीक है गाइस एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं एरिया को जो एरिया का बोला है तो वो एरिया का क्वेश्चन कर लेते हैं इट सेज कि मॉड एक्स इज इक्वल टू 1 मॉड वाई इज इक्वल टू 1 एंड मॉड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ये कैट ने क्वेश्चन पूछा था कि मॉड एक्स बराबर 1 मॉड वाई बराबर 1 एंड मॉड एक्स प्लस वाई बराबर 1 Find the area covered by these three curves. Question tha, find the area covered by these three curves. Find the area covered by these three curves. अब ठीक है
I switched off the fan. कांची जीरो व्हाट डू यू नो जीरो मतलब एरिया जीरो मतलब समझे व्हाट इज जीरो एरिया जीरो होगा ठीक है गाइस आइडियली ये अलजेब्रा क्लास हो जाए तो बच्चे समझ में आ जाएगा बट चलो किस बच्चे ने बोल दिया इसलिए मैं समझा दे रहा हूं मॉड एक्स बराबर वन इसका मतलब होता है एक्स बराबर प्लस माइनस वन जिनको नहीं पता उनके लिए मॉड एक्स बराबर ए का मतलब होता है एक्स बराबर प्लस माइनस ए मॉड एक्स बराबर ए का मतलब होता है एक्स बराबर प्लस माइनस ए ठीक है एक जैसे सोचो मैं बोलूं कि mod x is equal to 5 mod x का वैल्यू 5 है x का वैल्यू क्या हो सकता है प्लस माइनस 5 दोनों हो सकता है therefore definition ही बोलता है mod x बराबर a तो x बराबर प्लस माइनस a ये सब हो क्लियर ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस mod x बराबर a तो x बराबर प्लस माइनस a ठीक है गाइस चलिए नाउ ये पता है तो मॉड एक्स बराबर वन है एक्स बराबर प्लस माइनस वन मुझे इसको प्लॉट करना है ये सपोज एक्स वाई एक्सिस है एक्स बराबर वन कैसा लाइन होगा एक्स बराबर वन इट वुड बी अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस तो ये पॉइंट है वन कॉमा जीरो दिस इज अ लाइन This represents x बराबर प्लस वन ठीक है x बराबर माइनस वन इसी का मेरे इमेज इधर बन जाएगा तो ये पॉइंट ले लेते हैं माइनस वन कॉमा जीरो तो ये लाइन हो जाएगा x बराबर माइनस वन दिस इज द लाइन x बराबर माइनस वन ठीक है सिमिलरली अब दूसरा क्या बोल रहा है मॉड y बराबर वन तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस वन तो y1 बराबर 1 कैसा लाइन होता है इट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस तो ये पॉइंट सपोज है 0,1 तो ये लाइन हो जाएगा y बराबर 1 ये लाइन क्या हो जाएगा y बराबर 1 और इसी के नीचे तो ये लाइन बराबर हो जाएगा y बराबर माइनस 1 y बराबर माइनस 1 और ये ओरिजिन है गाइस तो ये हमने चार लाइन तो प्लॉट कर लिया मॉड एक्स बराबर वन मॉड वाई बराबर वन अब इसके बाद बोल रहा है मॉड एक्स प्लस वाई बराबर वन इसका मतलब क्या हुआ एक्स प्लस वाई बराबर प्लस माइनस वन एक्स प्लस वाई बराबर प्लस माइनस वन एक्स प्लस वाई बराबर वन तो कैसा लाइन होगा नेचुरली ऐसा होगा लाइन दिस इज द लाइन एक्स प्लस वाई बराबर वन ठीक है दिस इज द लाइन एक्स प्लस वाई बराबर वन और x प्लस वाई बराबर माइनस वन वो कैसा होगा x प्लस वाई बराबर माइनस वन वो ऐसा होगा तो ये छह लाइन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा था मॉड x बराबर वन मॉड y बराबर वन और मॉड x प्लस वाई बराबर वन वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिक्स लाइंस अब बोल रहा है एरिया इंक्लोज्ड बाय दिस सिक्स लाइंस इसका रूल बहुत सिंपल सा है अब किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करो यू स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट किसी पॉइंट से स्टार्ट करो जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करता है वहां आपको अंदर की ओर कट मारना पड़ेगा जैसे यहां पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो अंदर की ओर तो मैं डार्क कर रहा हूं हमारा एरिया क्या हुआ डार्क कर रहा हूं
ये लाइन ऐसे डार्क मैं कर रहा हूं, जाता जाएगा और यहां पे ये दो लाइन डिसेक्ट कर गया, तो अंदर जो अंदर की ओर है उसमें, फिर ये लाइन आता जाएगा, फिर यहां पे लाइन डिसेक्ट कर गया अंदर की ओर आता जाएगा, फिर ये दो लाइन डिसेक्ट कर गया अंदर की ओर, और फिर यहां पे ये दो लाइन डिसेक्ट किया और फिर ये दो लाइन डिसेक्ट कर गया। तो मैंने सारा डार्क कर दिया, मैं नाम भी दे देता हूं ए बी सी डी ई एफ। ये जो ए बी सी डी ई एफ जो फिगर बना, दैट फिगर दैट एरिया वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मॉड एक्स बराबर वन, मॉड वाई बराबर वन एंड मॉड एक्स प्लस वाई बराबर वन। ठीक है, इस फिगर का मुझे एरिया बताना है। अब ये तो एक ट्राइंगल है जिसका लेंथ वन है, ब्रेथ वन है, सॉरी बेस वन है, हाइट वन है, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वन। ये स्क्वायर है बिकॉज ये वन है, तो एरिया क्या हो जाएगा वन। ये भी एक ट्राइंगल है जिसका बेस वन है, हाइट वन है, तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ। और ये भी एक स्क्वायर है जिसका बेस वन है, हाइट वन है, देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा वन। तो इन सारे एरिया को मुझे एड अप करना है, देयरफॉर एरिया वुड बी इक्वल टू थ्री। तो दिस वॉज अ कैट क्वेश्चन, ये कैट ने पूछा था बिकॉज यू आस्क्ड मी, इसने बता दिया, अदरवाइज वंस यू गो थ्रू अलजेब्रा फिर समझ में और अच्छे से आएगा, एक बार अच्छे से डिटेल में मॉड एक्स मॉड वाई पढ़ा दी जब हो जाएगा तो और अच्छे समझ में आएगा, बट अभी किसी ने बोला था इसलिए मैंने दे दिया एक क्वेश्चन, होपफुली समझ में आ रहा होगा। ठीक है गाइस, फाइन, जल्दी कॉपी कीजिए। सबने कॉपी कर लिया? चलिए फाइन, ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो। एसएफ ऑफ थ्री नंबर इज टेन, एसएफ ऑफ थ्री नंबर is 10 and their product is 36,000. So how many such triplet exist? How many such triplet exist? Teen number ka SCF 10 hai और उनका प्रोडक्ट 36,000, ऐसे कितने ट्रिपलेट पॉसिबल है?
ठीक है गाइस, नाउ द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। तीन नंबर का एससीएफ 10 है, तो वी हैव टॉट यू इन अर्लियर क्लासेस कि जब भी एससीएफ दिया हो तो नंबर्स को हम क्या एज्यूम करेंगे, नंबर्स वुड बी 10a 10b एंड 10c, बिकॉज एससीएफ 10 है, देयरफॉर हमने 10 पहले ही बाहर निकाल लिया तीनों नंबर में से, और नंबर क्या एज्यूम कर लिया 10A, 10B and 10C। ये क्लियर है सबको कि नंबर्स को हम क्या अज्यूम करेंगे, 10A, 10B and 10C। Now, if numbers are 10A, 10B and 10C, what type of numbers would be A, B and C? A, B and C कैसा नंबर्स होगा? What type of numbers would be A, B and C? Fine. They would be relatively prime to each other. They would be relatively prime to each other. This is the concept involved. कि जब भी SF already आप 10 बाहर निकाल चुके होते हो, तो ABC कैसा number होगा? तो relatively prime होगा, because ABC में कुछ common नहीं होना चाहिए। यदि ABC में कुछ common आ जाएगा, तो मेरा SF बदल जाएगा। Already SF 10 है, तो ABC में suppose common 2 आ जाएगा, तो मेरा SF 20 हो जाएगा। Therefore, we say जब भी हम लोग SF को सवाल आता है, तो हम नंबर क्या अज्यूम कर लेते हैं, एससीएफ 10 है तो नंबर्स अज्यूम कर लेते हैं 10A, 10B एंड 10C, एंड देन वी से ABC वुड बी रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। क्लियर गाइस, यहां तक सबको क्लियर? ठीक है, देन इट्स गिवन दैट 10A, ठीक है, इस क्वेश्चन में अडॉप्ट कर रहा हूं, इट सेज 10A into 10B into 10C is equal to the other way 36,000. So from here we can say ABC is equal to 36. ABC किसके बराबर होना चाहिए? 36 के बराबर होना चाहिए. And I have taught you how to make combination. सबको combination याद है? सबको याद है combination बनाना? All of you recalling how to make combination? ठीक है, रूल बहुत सिंपल सा है, स्टार्ट विथ वन, वन वन तो 36, वन वन 36, वन टू 18, इसको वन रखो, इसको इंक्रीज करते जाओ, रूल है कि नेक्स्ट नंबर हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, वन थ्री 12, वन फोर 9, वन सिक्स 6, वन से इतना बनेगा, टू से 229, 236, फिर 2 से और नहीं बनेगा, फिर 3 से 334, इतना, so that means इतने पहले कॉम्बिनेशन बनेंगे जिसके प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज 36, ये क्या कॉम्बिनेशन है? तो वैसे 3 नंबर का कॉम्बिनेशन है जिसका प्रोडक्ट 36 है, तो ये सवाल ये पूछा जाए, In how many ways can you write 36 as a product of 3 natural number? तो my answer would be 8. 8 तरीका से लिख सकते हैं. ये पहले सबको समझ में आ रहा है कितना तरीका है. इसका भी आंसर ये नहीं है. आंसर भी चेंज होगा naturally. But ये how to write ABC बराबर 36. सबको ये समझ याद आ रहा है या समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो. सबको.
ठीक है गाइस, अब ये पता है सबको, देन अब क्या था एबीसी सी प्राइम, तो ये तो केस हो सकता है बिकॉज तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, ये भी केस हो सकता है तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, ये भी केस हो सकता है तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, ये भी केस हो सकता है तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, ये भी केस हो सकता है तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, ये भी केस हो सकता है तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, ये भी केस हो सकता है तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, और ये भी केस हो सकता है तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। ऑल द एट केसेस आर पॉसिबल, ऑल द एट केसेस आर पॉसिबल गाइस, तीनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, यहां तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है अपार्ट फ्रॉम वन, हेंस वी विल कंसिडर ऑल द एट केसेस, हेंस हाउ मेनी ट्रिपलेट्स आर पॉसिबल, एट ट्रिपलेट्स आर पॉसिबल गाइस, जल्दी सोचो, कुछ डाउट आ रहा है पूछो जल्दी, जिसको भी कुछ डाउट आ रहा है पूछिए, सबको क्लियर है गाइज, अगेन आई एम रिपीटिंग, तीनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभिषेक नंबर स्टोर क्लास के हो, नंबर स्टोर क्लास के हो, तब कैसे अभिषेक समझ में आएगा, फिर नंबर स्टोर क्लास कर लो ना, फिर समझ में आएगा ना। 12-3-1 नीरज, तो ऑलरेडी 1-3-12 तो है, रूल क्या है नीरज, नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर, अगला जो नंबर है प्रीवियस नंबर से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, फिर रिपीटेशन होगा, फिर तो बहुत सारा केस बनाओगे तुम, अभी फिर तुम बोलोगे 4-3-3, बहुत सारा केस बनेगा नीरज फिर तो, इसलिए रूल ये, रूल याद कीजिए गाइस, अभिषेक पहले नंबर सेवा क्लास कर लेना फिर समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट ये बोल रहा है नीरज That next number, जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्या कॉम्बिनेशन होगा, नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर से ग्रेटर होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है सबको, सबको ये याद है सबको, एक काम करते हैं ना, कोई एक नंबर ले लो उसका केसेस बना, जल्दी से बता दो कितना केस बनेगा, जैसे और कोई लेते हैं, सपोज कॉम्बिनेशन बनाना सीखते हैं, कोई नंबर छोटा ही हो, ए बी सी बराबर 48, बताओ कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, जल्दी बताइए, ए बी सी बराबर 48 कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, जल्दी हाउ मेनी कॉम्बिनेशन, कितना कॉम्बिनेशन आ रहा है गाइस, जल्दी सेवन, मैं रैंडमली कुछ लिखा, मैं चेक कर लूंगा, इज इट सेवन, सबको सेवन आ रहा है, एट भी आ रहा है, नाइन भी आ रहा है, ठीक है, 36,000 कीर्ति, 36,000 तभी तो 3-0 कटेगा कीर्ति, 36,000
सबको नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। चलिए 1148, 1224, 1316, 1419, 1412, 12 4s 48, 168, 16, so अब नहीं बनेगा 18 करो तो 6 हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब 2 से बनाते हैं तो 2 2s 4, 4 12s 48, 2 3s 8s, 2 3s 8s, 2 4s 6s, अब 2 से और नहीं बनेगा, बिकॉज 2 6 करोगे तो फिर छोटा हो जाएगा। 3 से करते हैं तो 3 3 4 3 3 4 12 12 4s 48, 3 से और करेंगे तो 3 इसका छोटा हो जाएगा, 3 से नहीं बनेगा। 4 से बनाओगे 4 तो 4 4 तो फिर ये 3 हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जब भी 2 लगातार नहीं आया मतलब सारा कॉम्बिनेशन खत्म, इतना कॉम्बिनेशन बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस आर 9 कॉम्बिनेशंस। सबको गाइस ये कॉम्बिनेशन आना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारा क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन यूज होता है, लॉट मेनी क्वेश्चंस। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर कितना तरीका है, दिस आर द 9 वेज। जिसको 7 या 8 आ रहा था अपना गलती समझ में आ रहा है जल्दी, जिसको 7 या 8 आ रहा था ठीक है, ठीक है फाइन। तो दिस वाज 1, फाइन। एक क्वेश्चन मुझसे कल किसी ने पूछा था, इसलिए मैं आपको दे दे रहा हूं ये क्वेश्चन, somebody asked me yesterday, इसका रिमाइंडर बताना, 32 to the power 32 by 7, इसका रिमाइंडर क्या होगा। हाँ वो SF में, ठीक है SF, तो बस मैंने कॉम्बिनेशन आने बोला था वरुण, ठीक है वरुण फेयर एनफ, मैंने भी कॉम्बिनेशन आने बोला था, ठीक ठीक। चलो इसका जल्दी से रिमाइंडर बता दीजिए, ठीक है सबको 4 आ रहा है, ऑल ऑफ यू सबको 4 आ रहा है। दिस इज बेसिकली व्हाट 28 + 4 to the power 32 to the power 32 दिस डिवाइड बाय 7, सॉरी
28 कट जाएगा, लास्ट टर्म क्या बच जाएगा, 4 to the power 32 by 7। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये था कि 4 to the power 32 to the power 32 by 7 का आपको रिमाइंडर बताना है। नाउ दिस कैन बी डन एज 4 cube, हम 4 cube लिख सकते हैं ना, 4 cube इसलिए लिखा है बिकॉज 63 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, दैट द लॉजिक वी हैव रिटन 4 cube। अब जब 3 अंदर ले आया तो बाहर क्या बचेगा, तो बेसिकली करना क्या आपको 32 power 32 को आपको 3 से डिवाइड करना है, पावर को 3 से डिवाइड करो, जो क्वेश्चन आएगा वो यहां लिख दें, क्वेश्चन सपोज के है मुझे पता नहीं है, और जो रिमाइंडर होगा 4 to the power रिमाइंडर यहां लिख दें। ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आ रहा सोचो ऐसे 4 to the power 20 हो, इसको मैंने 4 cube अंदर ले लिया, 4 cube अंदर ले लिया तो बाहर क्या आएगा, तो क्या करेंगे हम 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 6 18, तो 6 यहां लिख देंगे और 2 रिमाइंडर बच गया, इनटू 4 स्क्वायर कर देंगे। ये सब कुछ समझ में आ रहा है, पहले 4 to the power 20 बराबर 4 cube to the power 6 इनटू 4 स्क्वायर, ठीक है, करते क्या है, जो अंदर चला जाता है उससे हम डिवाइड करते हैं, पावर 20 को 3 से डिवाइड किया, क्वेश्चन यहां लिखा और जो बच गया रिमाइंडर यहां लिख दिया 4 to the power। वही चीज यहां करना है कि 4 cube को हमने अंदर ले गया तो कुछ क्वेश्चन आएगा के इंटू 4 to the power रिमाइंडर, तो मुझे आर का वैल्यू खोजना है, आर क्या है, तो बेसिकली एक छोटा सवाल बन गया 32 to the power 32 divided by 3 इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो इसका रिमाइंडर का अपना एक सवाल, दिस इज 33 minus 1 to the power 32 by 3, तो माइनस वन का इवन पावर देगा प्लस वन, तो रिमाइंडर इसका 1 आएगा, तो यहां 4 to the power 1 डिवाइड बाई 7, therefore दिस इज नाउ 63 plus 1 to the power k into 4 to the power 1 by 7, तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो यहां क्या बच जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 4, hence remainder is 4, ठीक है। ये किसी ने मुझसे पूछा था कल, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत जगह कॉमन ये सवाल, बहुत सारे बुक में ही दिया हुआ, इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन, मुझे स्ट्राइक कर गया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है गाइस। फाइन, ऐसा ही सवाल एक और भी है, वो भी सॉल्व कर ही लूं, इसी तरह एक सवाल और ही पूछा गया है, दैट सपोज क्वेश्चन ऐसा हो कुछ 50 to the power 51 to the power 52 to the power 53 रिमाइंडर क्या होगा, सेम इसी तरह का सॉल्व एक और कर लीजिए, तो इस तरह का सॉल्व क्लैरिटी हो जाएगा कैसे बनाते हैं, 50 to the power 51 to the power 52 to the power 53 divided by 11, इसका रिमाइंडर क्या होगा,
गाइस ठीक है, मैंने सॉल्व करने का जैसे फॉर्मूला पर एक फॉर्मूला याद होगा सपोर्ट है, उसको हम यदि प्राइम से डिवाइड करते हैं और इसका प्राइम पावर एक कम होता है, इस नंबर का प्राइम से पावर एक कम होता है तो रिमाइंडर इज वन। पहले ये फॉर्मूला सबको याद है, जिनको याद हो भाई तभी सॉल्व कर पाओ, ये सबको याद है। इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय अ प्राइम नंबर एंड द पावर इज लेस देन द वन लेस देन द प्राइम नंबर देन द रिमाइंडर इज वन, ये याद है सबको पहले सबको ठीक है। इफ यू रिकॉल दिस तब जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अभी क्वेश्चन ये बोल रहा है दैट 50 टू द पावर 51 टू द पावर 52 टू द पावर 53। नाउ एनी नंबर एंडिंग विथ वन को 51 का कुछ भी पावर होगा, एनी पावर ऑफ 51 विल ऑलवेज एंड विथ यूनिट डिजिट विल बी वन। 51 का कोई सा भी पावर का यूनिट डिजिट वन होगा, ये सब तो सवाल में आता है क्या? एनी पावर ऑफ 51 विल एंड विथ वन, ये सब तो सवाल में आ रहा है, जल्दी ये सुनो बोलो। एनी पावर ऑफ वन विल 51 विल एंड विथ वन, ठीक है तो ये सवाल में आ रहा है। देयरफॉर ये 51 कुछ भी पावर, एनी पावर कुछ भी एक्स हो, ये किससे एंड करेगा? ये वन से एंड करेगा। देयरफॉर आई कैन से इवेंचुअली हो जाएगा 50 का पावर n इंटू वन, n पीछे में कुछ नंबर डिजिट्स होंगे मुझे पता नहीं क्या डिजिट होगा, बट लास्ट डिजिट क्या होगा? वन। 51 का पावर x लास्ट वन होगा, इससे पहले बहुत सारे नंबर है, कुछ सारे नंबर को मैंने n लिख दिया, बहुत सारे डिजिट होंगे उसको मैंने n लिख दिया, ये सब समझ में आ रहा है। 50 टू द पावर n वन ऐसे हो जाएगा। तो 50 का पावर 51 का पावर x मीन इट मींस 50 का पावर n वन के फॉर्म का ही पावर होगा। N1, where N is what? N is the digits on the left hand side of 1. ये क्लियर है, समझ में आ रहा पहले सबको? ठीक है। Therefore, अब इसको क्या लिख सकते हैं? This is basically what? 50 to the power N0 into 50 to the power 1. ऐसे लिख सकते हैं क्या? 50 टू द पावर एन वन को हमने क्या लिखा? जैसे कोई भी नंबर हो, सपोज 5 टू द पावर 61, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? 5 टू द पावर 60 इनटू 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 61 कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर 60 इनटू 5 टू द पावर 1। सिमिलरली 50 टू द पावर एन का मतलब क्या हुआ? 50 का पावर एन 0 इनटू 50 का पावर 1, ठीक है। नाउ दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 50 का पावर एन अंदर आ जाएगा, 10 बाहर चला जाएगा इंटू 50 का पावर 1। दिस सोचो 5 टू द पावर 60 इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 का पावर 6 इंटू 10, वही लॉजिक की एन 0 तो एन अंदर लेके आ गए, 10 बाहर चला गया, 50 का पावर एन होल्ड द पावर 10। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस थोड़ा नंबर से थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है। दिस डिवाइड बाय 11, अब ये 11 आ गया, उसका ये पावर एक कम है, therefore इसका रिमाइंडर तो 1 हो गया, और 50 by 11 रिमाइंडर इज 6, therefore my answer will come out to be 6। दिस वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई नो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, सब थोड़ा ही गंदा सवाल था, तो क्योंकि अभी किसी ने पावर का सवाल मुझसे पूछा इसलिए मैंने ये एक और उसमें थोड़ा डिफिकल्ट सवाल लगा दिया। समझ में आ रहा है क्या? जल्दी सभी को बताइए समझ में आ रहा है क्या? बट आई एम नॉट डीलिंग विद कंसेप्ट गाइज आज, क्योंकि ऐसे एक कुछ भी कैटे क्वेश्चन कैटेगरी क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए कंसेप्ट मैं नहीं बता पा रहा हूं। आई एम अज्यूमिंग यू हैव डन ऑल दिस चैप्टर्स। फ्रंजर लास्ट में ये बोले ये 50 का पावर एंड द पावर 10 है, अभी समझ आया ना, किसी भी नंबर का नीचे प्राइम हो उससे एक कम हो तो रिमाइंडर क्या होता है? 1 होता है। ये 11 है, ये 10 है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 50 बाय 11 रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 6। देखो 1 इंटू 6 रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 6। ऑल ऑफ यू गाइस ठीक है,
चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन है करते हैं, सपोज ऐसे ए बी सी डी बराबर वन, वेर ए बी सी डी आर पॉजिटिव रियल नंबर। ये दिया हुआ एबीसीडी और वन, पर पूछ लो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वन प्लस ए इंटू वन प्लस बी इंटू वन प्लस सी इंटू वन प्लस डी। दिया हुआ एबीसीडी बराबर वन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वन प्लस ए इंटू वन प्लस बी इंटू वन प्लस सी इंटू वन प्लस डी, इसका मिनिमम वैल्यू बताना। ठीक है गाइस, एक कंसेप्ट है दैट अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। किसी भी सेट ऑफ नंबर्स के लिए अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव रियल नंबर। हाँ, ऊपर है पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन इक्वल। अच्छा, एम बराबर जीएम बराबर एचएम बराबर कब होता है? व्हेन इज एम इक्वल टू जीएम इज इक्वल टू एचएम? ठीक है, व्हेन नंबर्स आर इक्वल, ऑल द नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, फाइन, ये सबको याद है, फेयर इनफ। देन अब जिनको नहीं याद है, फॉर देम आई एम जस्ट राइटिंग अरिथमेटिक मीन दो नंबर का सेट ऑफ नंबर्स का। जिनको नहीं याद है उन लोगों के लिए मैं लिख रहा हूं, दो नंबर का अरिथमेटिक मीन होता है ए प्लस बी बाई टू, एन नंबर्स का होता है ए वन प्लस ए टू अप टिल ए एन बाई एन, जस्ट लाइक एवरेज। ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर का होता है अंडर रूट ए बी, एन नंबर्स का होता है एनथ रूट
प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स, और हार्मोनिक मीन दो नंबर का होता है 2ab by a plus b, और n नंबर्स का हार्मोनिक मीन का कोई फॉर्मूला नहीं रहा कि वो निकालना पड़ता है। तो जिनको नहीं पता है जल्दी से एक कॉपी डाउन कर ले, जिनको नहीं पता है those who don't know। ये तीन टर्म पता होना चाहिए। ठीक है, वंस आई नो दिस, अब सपोज वन और एक नंबर दिया हो, वन एंड ए इज वन अ पेयर ऑफ नंबर, वन और ए, देयरफॉर कैन आई से वन प्लस ए बाय टू वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दो नंबर है वन और ए, इन दो नंबर का अरिथमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा हो जाएगा, विच इज इक्वल टू वन इन टू ए। ठीक है, सिमिलरली वन और बी एक नंबर मान लेते हैं, वन और बी, तो वन प्लस बी बाय टू वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वन ऑन बी। ठीक है, सिमिलरली वन प्लस सी बाय टू वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वन एंड सी, एंड वन प्लस डी बाय टू वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वन एंड डी। फाइन गाइस, अब इस चारों को मल्टीप्लाई कर दे, इफ आई मल्टीप्लाई दिस फोर टर्म्स तो हमें मिलेगा वन प्लस ए इंटू वन प्लस बी इंटू वन प्लस सी इंटू वन प्लस डी बाय 16 वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी सी डी। फाइन, और ए बी सी डी का वैल्यू वन दिया हुआ है, देयरफॉर वन प्लस ए इंटू वन प्लस बी इंटू वन प्लस सी इंटू वन प्लस डी वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16। हेंस स्मॉलेस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू वुड बी इक्वल टू 16। इट्स अ वेरी पावरफुल टूल दैट एम ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम ऑफ टू नंबर, इट्स वेरी वेरी पावरफुल, इसको बहुत जगह यूज करेंगे। और कैट के तो सब बहुत सवाल पूछा हुआ है जहां पे एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम का कंसेप्ट यूज किया गया। सबको ये समझ में आ रहा है, जल्दी बताए येस और नो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। All of you, जल्दी बताइए समझ में आ रहा है क्या ये। इस कंसेप्ट को जरा याद रखिएगा दैट am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, दिस विल बी यूज एक्सटेंसिवली, फाइनेंस को बहुत यूज करेंगे। जिनसे नहीं बनाता जल्दी कॉपी डाउन करो। हो गया सबका कॉपीड, चलिए ठीक है फाइन। गाइस सबको एक क्वेश्चन लिखो एंड स्पीक स्लोली, जस्ट जॉट डाउन वन क्वेश्चन, रिडक्शन इन स्पीड, लिखो धीरे धीरे, रिडक्शन इन स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू reduction in speed
of a train is directly proportional to number of bogies attached to it. Is directly proportional to number of bogies attached to it. Reduction in speed of a train is directly proportional to a square of the number of bogies attached to it. Attached to it. When four bogies are attached to the engine, then speed of train is equal to 100 kilometer per hour. When five bogies are attached, speed of the train is 55 kilometer per hour. ये दिया हुआ है. अब इसमें दो सवाल है. फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन और दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉगीज दैट कुड बी अटैच्ड टू द इंजन so that it just moves. ये guys information है. Reduction in speed of a train is directly proportional to square of the number of bogies attached to it. When four bogies are attached to the engine, then speed of train is 100 km per hour. When five bogies are attached, speed of train is 55 km per hour. To find maximum speed of the train, and secondly, find maximum number of bogies that could be attached to the engine so that it just moves.
ठीक है गाइस, नाउ इट सेज रिडक्शन इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ बॉल इज अटैच्ड। ये सवाल बोल रहा है कि किसी सवाल का मतलब समझिए, कोई एक ट्रेन है जो उसमें इंजन है, केवल इंजन है, तो नेचुरली मैक्सिमम स्पीड से चलेगा। द मोमेंट इसमें एक हम बॉगी अटैच करना स्टार्ट करते, एक बॉगी अटैच करें, जब B1 हमने बॉगी वाला अटैच किया, इसका स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे कम होगा? जितना बॉगी अटैच है उसके स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। एक और बॉगी जोड़ दें, अब 2 स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, पहले 1 स्क्वायर पे, बाद में 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर। जितना ये बॉगी अटैच करती जाएगा उसमें रिडक्शन, उसका स्पीड रिड्यूस्ड होता जाएगा। ये पहले क्वेश्चन था, ठीक है गाइस। अब हमने पढ़ाया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट देते हैं, आर एन इज इक्वल टू के एन स्क्वायर, हटाने के लिए कांस्टेंट डाला के एन स्क्वायर। अब जब ट्रेन में केवल इंजन है तब ये अभी मैक्सिमम स्पीड से चल रहा है, तो जो भी रिडक्शन होगा वो आपके मैक्सिमम स्पीड से होगा। रिडक्शन कहां से होता है? हमेशा मैक्सिमम स्पीड से। तो मेरा मैक्स, ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड एम है और रिडक्शन है के एन स्क्वायर, एम माइनस के एन स्क्वायर। इसी ट्रेन से, इसी स्पीड से अब ट्रेन मूव करेगा जब उसमें एम बॉगीज अटैच्ड है। एम माइनस के एन स्क्वायर क्या बोलेगा? दिस विल गिव मी इफेक्टिव स्पीड ऑफ द ट्रेन, इफेक्टिव स्पीड ऑफ द ट्रेन जिससे भी ट्रेन मूव कर रहा है। मैक्सिमम स्पीड एम है, रिडक्शन क्या हो रहा है? के एन स्क्वायर। एम माइनस के एन स्क्वायर विल गिव मी द इफेक्टिव स्पीड By which the train is moving right now. बस ये इक्वेशन समझना है गाइस, दिस वॉज इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब दो कैसे एम मुझे पता नहीं है, जब 4 बॉगी है तो 16 के, उस समय स्पीड ट्रेन है कितना, इफेक्टिव स्पीड कितना है ट्रेन का? 100। एम माइनस जब 5 बॉगी है तो 25 के, उस समय इफेक्टिव स्पीड कितना है? 55। टू इक्वेशन, टू अनोन सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर ले, माइनस प्लस माइनस, तो आई गेट 9k इज इक्वल टू 45, के इज इक्वल टू 5। आई गॉट द वैल्यू ऑफ के बराबर 5। अब के का वैल्यू 5 यहां पुट कर देते हैं, तो आई गेट एम बराबर 16 5 80 प्लस 100 180। हेंस मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन वुड बी 180। ठीक है गाइस, दिस इज फर्स्ट पार्ट। नाउ अच्छा, मैंने रब कर दिया, सबने लिख लिया था ना गाइस, एम माइनस के एन स्क्वायर। बस ये स्टेप स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, फिर दो केस दिया है, दोनों केस के बारे लिख लीजिए, ठीक है। अब सोचो, बोल रहा है कि सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रेन जस्ट मूव्स। जस्ट मूव्स का मतलब होता है कि रुकना नहीं चाहिए, एटलीस्ट क्रॉल करना चाहिए, फाइन, क्रॉलिंग थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, हल्का हल्का ट्रेन चलते रहना चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ जस्ट मूव्स। एम मुझे पता है 180, के का वैल्यू 5 पता है, 5 इन स्क्वायर। हम मान लेते हैं कि ट्रेन रुक चुका है, तो जब ट्रेन रुक जाएगा उसका इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगा? 0। तो 180 माइनस 5 इन स्क्वायर बराबर 180 माइनस 5 इन स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से क्या आ गया हमारा, 5 इन स्क्वायर बराबर 180, देयरफॉर एन स्क्वायर बराबर 36, एन बराबर 6। तो जब 6 बॉगी अटैच्ड है
इंजिन में जो हमने छह बॉडी को अटैच किया तो ट्रेन हो चुका है, बट ट्रेन को मूव करना है तो मुझे एक बॉडी हटाना पड़ेगा, देयरफॉर एम बराबर फाइव, तो मैक्सिमम बॉडी दैट कुड बी अटैच इज फाइव नॉट सिक्स। गाइस आराम से ध्यान जिससे देख सोचो कि जब ट्रेन रुक गया है उससे मेरा कितना बॉडी अटैच्ड है, छह बॉडी अटैच्ड है, तो छह बॉडी जो हम अटैच कर रहे हैं तो ट्रेन रुक जा रहा है, पर मुझे ट्रेन को रोकना नहीं है, ट्रेन शुड मूव, देयरफॉर एक बॉडी हटाना पड़ेगा, जब एक बॉडी हटा लेंगे तो ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाएगा, देयरफॉर मैक्सिमम फाइव बॉडीज एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन इज 180। ऑल ऑफ यू खुद से जल्दी से कॉम्प्रिहेंड कीजिए, बस ये लाइन जैसे इंपॉर्टेंट है, दिस वॉज द इंपॉर्टेंट लाइन, इसको बस समझना था कि हमेशा मैक्सिमम स्पीड से रिडक्शन होता है। ऑल ऑफ यू सभी को, जितने लोग बच्चे हो सभी को जल्दी यस बोलो, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टिपिकल कैट टाइप क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन पे ऐसा सवाल कुछ आता है कैट में, रादर सिमिलर क्वेश्चन ऑफ कम इन कैट, इस तरह का सवाल कैट में आ चुका है। प्रांजल बेसिस से बनना है, रिडक्शन हमेशा मैक्सिमम से होगा ना, रिडक्शन जब भी होगा वो मैक्सिमम से होगा, रिड्यूस स्पीड से रिडक्शन कैसे होगा, ऑलरेडी रिड्यूस है उससे रिडक्शन कैसे होगा, इट शुड बी फ्रॉम मैक्सिमम स्पीड। ठीक है प्लान, चलिए गाइस 10-15 मिनट्स और फिर मैं ब्रेकअप कर दूंगा, डोंट वरी, दो तीन सॉल्व और करते हैं, अच्छा अच्छा फिर ब्रेकअप कर लेंगे, ठीक है ना गाइस, बस दो तीन सॉल्व, सब कोई थोड़ा होल्ड करो फॉर देम, ठीक है गाइस। एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ टेन टू पावर सिक्स and with exactly two zeros, how many factors of 10 to the power 6 end with exactly two zeros,
गाइस मल्टीपल आंसर 8, 9, 10, 25 तरह तरह का आंसर आ रहा है। ठीक है गाइस, लेट अस अंडरस्टैंड। पर ये समझिए, इफ आई से 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3 ये कितने जीरो सेंड करेगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कितने जीरो सेंड करेगा? 3। सबको स्ट्राइक करता है ये? ठीक है ठीक है, एक आंसर मुझे मिल गया, फेयर। 2 to the power 3 into 5 to the power 4 ये किस सेंड करेगा? ये कितना जीरो सेंड करेगा? अभी ये 3 जीरो सेंड करेगा। तो लॉजिक ये बोलता है कि 2 और 3 जिसका पावर कम होता है उतने जीरो सेंड करता है। ये सबको पता है, 2 और 5 में जिसका पावर कम होता है उतने जीरो से एंड करता है। सबको ये समझ में आता है क्या? जल्दी बोलिए यस और नो। 2 और 5 में जिसका पावर कम होगा उतने जीरो से एंड करेगा। सबको ये समझ में आता है? ठीक, फेयर। नाउ 10 to the power 6 का मतलब होता है 2 to the power 6 into 5 to the power 6। 10 to the power 6 का मतलब वो 2 to the power 6 into 5 to the power 6। और फैक्टर्स, मैंने फैक्टर्स पढ़ाया है गाइस, फैक्टर ऐसे बनाते हैं ना, जिसने भी नंबर से मैं क्लास किया था सबको याद आ रहा होगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए, सवाल क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली कितना जीरो चाहिए इसमें? 2 जीरो चाहिए। तो यहां से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। इन दोनों के हेल्प से मुझे एग्जैक्टली 2 जीरो मिलेगा। इन दोनों के हेल्प से 2 जीरो, इन दोनों के हेल्प से 2 जीरो, इन दोनों के हेल्प से 2 जीरो, और इन दोनों के हेल्प से 2 जीरो। ये बात समझ में आ रहा है क्या? 2 square into 5 square will give me 2 जीरो, 2 square into 5 cube will give me 2 जीरो, 2 square into 5 4 will give me 2 जीरो, 2 square into 5 5 will give me 2 जीरो, and 2 square into 5 6 will give me 2 जीरो। ये वन पार्ट। अब मैंने 2 का पावर रखा और पावर कम रखूंगा, तो 2 cube into 5 square will give me again 2 जीरो, 2 4 into 5 square will again give me 2 जीरो, 2 5 into 5 square will again give me 2 जीरो, and 2 6 into 5 square will again give me 2 जीरो। Hence, 5 udhar aur 4 idhar 9, altogether 9 factors will end with exactly 2 zeros। Guys, ये पढ़ा चुके आप लोगों, तब क्यों नहीं strike किया सबको? This I've already taught you. देखो गाइस, कॉम्प्रिहेंड करो और बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी यस और नो।
तो गाइज आप लोगों को अपना मिस्टेक सॉल्व नहीं आ रहा है ना, जिन्होंने कुछ आपका सब सॉल्व में आ गया। ठीक है, सपोज ये क्वेश्चन बोलता हाउ मेनी फैक्टर्स विल एंड विद जीरो, सेम क्वेश्चन हाउ मेनी फैक्टर विल एंड विद जीरो, तो क्या आंसर होता जल्दी बताओ। हाउ मेनी फैक्टर विल एंड विथ जीरो, क्या आंसर होगा जल्दी बताइए। जल्दी बोलो गाइस, हाउ मेनी फैक्टर विल एंड विथ जीरो। स्मृति गलती हो रहा है ना, कांची 11 कैसे आ रहा है कांची। मैं बोल रहा हूं कितने से फैक्टर जीरो से एंड करेंगे, आई हैवंट सेड 10 20 30 40 50 और 60, आई सिंपली सेड हाउ मेनी फैक्टर विल एंड विथ जीरो, दैट्स इट। ठीक है गाइस, समझिए जरा आराम से। पहले तो पहले समझना है टोटल ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, 7 × 7 = 49, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इज 49, इसमें किसी को डाउट होगा नहीं बिकॉज ये सब निकट किया है। अब इसमें से उसको उल्टा कर लेते हैं कि ऐसा कितना नंबर है, ऐसा कितना फैक्टर है रैदर जो जीरो से एंड नहीं करेगा, जो जीरो से एंड नहीं करेगा। तो जितना भी कॉम्बिनेशन टू द पावर जीरो के हेल्प से बनेगा, 7 कॉम्बिनेशन बनेगा टू द पावर जीरो के हेल्प से एंड 6 कॉम्बिनेशन बनेगा 5 पावर जीरो के हेल्प से। दिख रहा है 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके हेल्प से 1 2 3 4 5 6, ये 13 ऐसा फैक्टर होगा, 13 फैक्टर्स विल नॉट एंड विथ जीरो, विल नॉट एंड विथ जीरो, 13 फैक्टर्स विल नॉट एंड विथ जीरो। हाँ, अब क्या समझ में आ रहा है, देयरफॉर 36 फैक्टर्स विल एंड विथ जीरो। सबको समझ में आ रहा है जल्दी बताइए यस और नो, सबको ईच वन ऑफ यू, सबको समझ में आ रहा है क्या। जिनको 42 आ रहा था या कुछ और आंसर आ रहा था, समझ में आ रहा है आपका मिस्टेक, क्या मिस्टेक हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको। चलेगा ठीक है, पाएगा, चलो ठीक है, वेडियो लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी, लिखो क्वेश्चन, हाउ मेनी जीरोस, एट द एंड ऑफ 12 फैक्टोरियल व्हेन कन्वर्टेड टू बेस 6, हाउ मेनी जीरोस एट द एंड ऑफ 12 फैक्टोरियल व्हेन कन्वर्टेड टू बेस 6, how many zeros at the end of 12 factorial when converted to base 6?
हाँ गाइस, सर कंसेप्ट पता है सबको, सर दो जो डोंट नो तो कंसेप्ट, सर कंसेप्ट बता दे रहा हूं। अब जिस बेस में काम करते हो, जिस बेस में काम कर रहे हो उसका पावर डिसाइड करता है उसमें कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे। जैसे बेस 10 में आप काम कर रहे हो तो 10 का जो भी पावर होता है, 10 का पावर एक्स, तो ये एक्स डिसाइड करता है कितने जीरोस होंगे बेस 10 में काम कर रहे थे। तो दिस इज द लॉजिक। अब जिस बेस में काम करते हो उसका जो पावर होता है वो डिसाइड करता है हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोस। इसको याद रखना है। तो यदि 12 फैक्टोरियल डायरेक्टली होता बेस 10 में सब कितना ट्रेलिंग जीरोस, तो 12 फैक्टोरियल बेस के मुझे 2 और 5 का पावर खोजना है, जिसका पावर कम वो आंसर होता, तो 5 का पावर 2। देयरफॉर यदि बेस मैं बोलता बेस 10 में 12 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे, तो 2 ट्रेलिंग जीरोस होंगे, तो ये आंसर 2 ट्रेलिंग जीरोस हो जाता। बट यहां बोल रहा है व्हेन कन्वर्टेड टू बेस 6, तो बेस 6 का मतलब होता है 2 × 3। तो बेसिकली 12 फैक्टोरियल में 2 का पावर खोजना और 3 का पावर खोजना है, और जिसका पावर कम होगा उतने 6 का पावर बन जाएगा। तो क्वेश्चन ये था 12 फैक्टोरियल में 6 का कितना पावर है, फाइंड द आईजीएफ, याद है ना, आईजीपी ऑफ 6, इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। तो 12 फैक्टोरियल में 6 का पावर बताना था कितना है। तो 2 तो ज्यादा हो, 3 का पावर खोजिए, तो 3 का पावर 4 प्लस 1, 3 का पावर 5। देयरफॉर 12 फैक्टोरियल व्हेन कन्वर्टेड टू बेस 6, इसमें 6 का पावर कितना होगा, 6 का पावर 5 होगा। एंड 6 का पावर 5 का मतलब 5 ट्रेलिंग जीरोस। तो जिस बेस में हम काम कर रहे होते हैं उसमें उतना पावर चाहिए इन ऑर्डर टू नो हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोस। ये सवाल में आएगा सबको, पहले जल्दी बताओ, एक बार यस बोलो उसके बाद ब्रेक कर दूंगा। पहले सबको एक बार यस बोल दो, समझ में आ गया सबको। जिस बेस में काम करते हैं उसमें उतना पावर चाहिए, ठीक है गाइस, ऑल ऑफ यू, देयरफॉर इसका आंसर वुड बी 5। चलो गाइस, ठीक है, आई विल टेक अ सिमिलर, वहां बता दूंगा, आज तो ऐसे रैंडम सा था। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास जब भी ऐसा कुछ होगा, विल लेट यू नो एडवांस दैट इस टॉपिक से विल बी सॉल्विंग कैट लेवल क्वेश्चंस, वो हम लोग सेट ऑफ सेशन लेंगे वैसा, वंस अलजेब्रा इज ओवर, सो दैट एक बार सारा कैट टैग क्वेश्चन का रिविजन हो जाए। यू कीप ऑन सॉल्विंग सब द, ये बोल रहा हूँ जिस बेस में काम करते हैं उसका पावर डिसाइड करता है, बस ये करना है श्रद्धा। यू हैव डन नंबर्स फ्रॉम श्रद्धा, यू हैव डन नंबर्स फ्रॉम क्लास, श्रद्धा नंबर्स फ्रॉम क्लास किया है? नहीं, श्रद्धा तो एक क्लास कर लो ना, अदरवाइज किसी बैच में नंबर्स से पहले क्लास कर ली तब समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा बाउंस कर जाएगा, ठीक है। आदित्य ये बोल रहा हूँ कि वो बेसिस को क्लास करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा नहीं समझा पाएंगे, तो पूरा क्लास करना पड़ेगा आदित्य, वो नहीं समझा पाऊंगा इसमें ना, तो डू अ क्लास, नंबर से क्लास होगा, क्लास करिए तब समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। ऐसे इट्स नॉट स्मॉल टॉपिक, पूरा 4 घंटे पढ़ाना पड़ता ना बेसिस करना, वो किसी दूसरे बैच में कर लीजिएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है गाइस, कीप ऑन सॉल्विंग, आई विल कीप सिमिलर क्लासेस, विल लेट यू नो एडवांस। चलो थैंक यू गाइस, यू कैन लॉग आउट, थैंक यू गाइस, चलो थैंक यू, थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू वरुण, चलो बाय, चलो बाय गाइस, बाय। Cool.